भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20 सीरीज में भारत जहां 2-1 से आगे है, तो वहीं चौथा T20 मुकाबला जीतने के साथ ही भारत सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए मैदान में उतरेगा। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, जिसने शुरुआती दो मुकाबले हारने के बाद शानदार कमबैक किया, वह सीरीज में मुकाबला है वह बराबरी पर लाने के लिए मैदान में उतरेगा। जी हां, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा T20 मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमों में अगर बात की जाए तो भारत जहां बड़े बदलाव की ओर नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको ऑस्ट्रेलिया आजमा रहा है। भारत की अगर बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, ये खिलाड़ी वो हैं जिनका बल्ला जमकर चल रहा है। तो वहीं श्रेयस अय्यर की वापसी टीम को मजबूती देती हुई नजर आएगी। तो वहीं गेंदबाजी में एक बार फिर से मुकेश कुमार की वापसी हुई है, जो शादी के चलते तीसरा मुकाबला जिन्होंने मिस किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े दिग्गज वापस अपने देश लौट चुके हैं, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और स्टीव स्मिथ शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि उनकी टीम में ट्रेवियस हेड, मैथ्यू वेड, क्रिस ग्रीन, ये खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर T20 सीरीज की बात की जाए तो इस बार ये T20 सीरीज काफ़ी रोमांचक हो रही है, क्योंकि तीनों ही मुकाबलों में जो स्कोर है वह 200 से पार पहुंचा है। तीसरे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया था, और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल के 100 शानदार रनों की नाबाद पारी भी शामिल थी। लेकिन अब चौथा मुकाबला है, चौथा मुकाबला भी एक ऐसे पिच पर खेला जाना है जहां पर रनों का अंबार खड़ा हो सकता है, विकेट है पूरी तरीके से रनों से भरपूर है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की वापसी है वह भारतीय टीम को मजबूती देगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया कम बैक करते हुए सीरीज में बराबरी तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत की ऑस्ट्रेलिया के हार के बाद अब क्या भारतीय जो टीम है, युवा टीम है, वह T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए इस ट्रॉफी पर कब्जा कर पाती है या नहीं। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।